रहीम, अस्सलाम वालेकुम तमाम मेरे दोस्त भाई। अब आप जो यहाँ सऊदी अरबिया में मुकीम है जी, या अगर अल्लाह ना करे जी आप किसी भी मसले की सूरत में यहाँ से डिपोर्ट हो चुके हैं, या आप छुट्टी जाकर वापस नहीं आए, कोरोना पाबंदियों में फंस गए, या अभी आप छुट्टी जा रहे हैं और आपका माइंड ये है जी कि मैं छुट्टी जाकर किसी न्यू वीज़ा से आ सकूंगा, या क्या मामला है, या अगर आप यहाँ पर इकामा एक्सपायर हरूब की सूरत में फंसे हुए हैं और अगर आप ये सोच रखे हैं तो भाई मैं यहाँ तो अपना नकल कफाला करवा लूँ, या भाई मैं किसी ऐसे तरीके से बाइज्जत तरीके से खरूज नहाई चला जाऊं और ताकि दोबारा नए वीजे से सऊदी अरबिया वापस आ सकूं। तो भाई इसके लिए मैं आपको व्हाट्सअप नंबर आपको दिखा रहा हूं, आपने मजीद इसके मतलब ऐसे मामला के मतलब कुछ पूछना हो मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मैं आपको अपडेट कर दूंगा। मैं मजीद अगर इसके ऊपर बात करूंगा तो वीडियो खामखा लंबी होती जाएगी। हम चलते हैं मेन मसले की तरफ और वो न्यूज़ आपके साथ मैं शेयर करूंगा जी, जिसमें मैं हर वीकली आपके साथ ये रिपोर्ट शेयर करता हूँ, वजारत दाखिले की तरफ से कन्फर्म होती है और इसमें तमाम मेरे वो परदेसी भाई शामिल होते हैं जिनके इकामे एक्सपायर हैं, हरूब है, मतलूब है, साय खास, आमल मंजिली, बदून कफील, कंपनी वगैरह सैलरी दे रही है, कंपनी छोड़ दी, बाहर काम किए जा रहे हैं, मुसस्सा या कफील से भाग कर बाहर काम किए जा रहे हैं। अगर तो आप भाई भाग जाएंगे आपको पता है वो पीछे से आपका हरूब देगा, ज्यादातर हरूब ही दे देते हैं, खरूज नहीं कोई लगाता है, बहुत कम होते हैं जो खरूज लगाते हैं। और दूसरी बात यह है जी, अगर अल्लाह ना करे आपने किसी पेपर वगैरह के ऊपर साइन वगैरह किए हुए हैं तो फिर आपको वो मतलूब ही कर सकता है। कल ही मेरे पास एक भाई ने मैसेज करके बकायदा मुझे वो मैसेज भेज कर मुझे वो दिखाई थी, पर्सनल कुछ चीज़ें हैं उनकी, वरना मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर कर देता। वो 15,000 रियाल का उनके ऊपर जी बोल रहे हैं मेरे ऊपर मुखालफा शो हो गया, भाई मैं क्या करूँ अभी, मैं कफील से भागा था, सैलरी तंग कर रहा था, बाहर काम कर रहा हूँ, अभी उसने मेरे शायद ऊपर अल सदात की तरफ से वो केस किया ना 15,000 रियाल का, कोई भी किसी का मसला, मेरा 15,000 रियाल इसने देना था या ये है वो है, नुकसान किया मेरा, तो वो मसला बन गया। क्यों? पेपर के ऊपर साइन वगैरह किए हुए थे। तो किसी पेपर के ऊपर साइन मत करें, किसी कंपनी में जो आप जा रहे हैं, किसी मुसस्से में जा रहे हैं। हाँ, आज़ाद तो कहीं काम करते ही नहीं है, आज़ाद तो अपनी खुद मर्जी के मालिक होते हैं, और बहरहाल आज़ाद बंदा मेहनती हो तो फिर ही कामयाब होता है, वो सुस्त भाई वो तो फिर 4 दिन काम करता है, 4 दिन सो जाता है। अच्छा, बहरहाल न्यूज़ के मतलब चलते हैं जी। मैं आपको वाजह कर दूँ जी, जो मैंने आपको गिनवा दिए हैं ये इकामा हरूब ये वो सब सभी इसमें शामिल हैं, और अगर अल्लाह ना करे आपको जैसे मैंने बता दिया, अगर आप इकामा हरूब या कंपनी मुसस्से से भागे हुए हैं उसकी सूरत में आप लीगल तरीके से खरूज जाना चाहते हैं या नकल कफाला करवाना चाहते हैं, वो आप मुझे व्हाट्सअप के ऊपर फिर रब्ता कर लीजिएगा, मैं आपको इंशाल्लाह उसकी तफसील बता दूंगा। आज की न्यूज़ ये है जी, मैं आपको यहाँ पर ये चीज़ दिखा रहा हूँ जी, इसमें मैं टोटल की अगर बात करूँ तो 19,999, ठीक है, ये तकरीबन 20,000 बोल रहे हैं, 20,000 बंदा गिरफ्तार हुआ है। ये कौन सा है, इनमें कौन कौन से शामिल है ये आपको बताऊंगा मैं। इसमें भाई मुखालफा निज़ाम अल इकामा सरफरिस्त, सबसे पहले जिनके इकामे एक्सपायर हैं उनकी मैं आपको बता रहा हूँ जी, उनकी तादाद है कि 12,608, 12,608 बंदे गिरफ्तार हुए हैं जिनके इकामे एक्सपायर थे। आगे अगर बात करेंगे मुखालफा निज़ाम अमन अल हदूद, तो इनकी भाई तादाद है 4,519, तकरीबन 4,500 प्लस में बंदा मुखालफा निज़ाम अल अमल वाला गिरफ्तार हुआ है। और आगे एक चीज़ और इंटरेस्टिंग, मुखालफा निज़ाम अल अमल, ठीक है, 2862, 2862 बंदा गिरफ्तार हुआ है। ये पता कौन है? ये वही है जो कंपनी मुसस्से से भागकर बाहर काम किए जा रहे हैं, बदून कफील के ज़ुमरे में पकड़े जाते हैं, या साय खास आमल मंजिली भी इसी में शामिल है। जब पकड़े जाते हैं तो शुरता काम के ऊपर से अगर उनको पकड़ ले तो बदून कफील का वो उनके ऊपर बाकायदा टैग लगाकर उनको डिपोर्ट कर देते हैं, ये मामला होते हैं। अच्छा, एक चीज़ और आपको मैं बड़ी करके दिखा रहा हूँ मैं, तरहील, ये है जी 11,361 बंदे, तकरीबन 11,500 बोल रहे हैं आप, 11,500 बंदा भाई वो गिरफ्तार हुआ है जिनके इकामे एक्सपायर थे, यानी कि इकामे एक्सपायर हरू मतलू बदून कफील, ये उन टोटल तो 20,000 के करीब हैं, लेकिन 13,000 या 13,500 प्लस में जो बंदे गिरफ्तार हुए हैं ये वो हैं जो डीपोर्ट किए गए हैं, ठीक है जी, यानी कि सऊदी अरबिया से किसी के ऊपर बदून कफील का जुम्मे उन्होंने टैग लगा दिया, को वैसे को काम करते हुए पकड़ा गया है, को हरूब वाला पकड़ा गया है, जो सऊदी अरबिया से डीपोर्ट तरहील किए गए वो भाई तकरीबन 13,361 बंदे वो डीपोर्ट हुए हैं। तमाम भाई मैं बोलता हूँ कि अगर आप इलीगल हैं तो भाई लीगल हो जाएँ, चंद पैसे भी लगते हैं तो लगाकर लीगल हो जाएँ यार, या इज्जत बाइज्जत तरीके से अपना खरूज नहाई चले जाएँ, दोबारा को नया वीज़ा लेकर आ जाइएगा, वही बेस्ट है।